वहीं मुंबई में अनलॉक हुए तो पिछले 1.5 महीने से घरों में बंद जो लोग थे, जो कि काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि हेयर कट कब कराएं या हेयर कलर या फिर साज सज्जा की और तमाम चीज़ें होती हैं, वो सैलून पहुंच गए। अब मुंबई में अनलॉक के बाद सैलून का हाल क्या है, इसका जायज़ा लिया है जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी ने। मुंबई धीरे धीरे अनलॉक हो रही है, बाजारों में रौनक वापस लौटी है, ब्यूटी पार्लर्स में रौनक वापस लौटी है। पिछले 1.5-2 महीने से लोग हेयर कट का इंतज़ार कर रहे थे, हेयर कलर का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब जब पार्लर्स वापस खुले हैं, किस तरह की एक वो फीलिंग है जो लोग इस पार्लर में आए हैं, पहले उनसे पूछते हैं कि हेयर कट करवाने के बाद सर कितना वो लाइट फील कर रहे हैं और क्या वैक्सीन लिया है कि नहीं, आइए उन्हीं से जानते हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने से ऐसे ही बैठा था, पूरे बाल खराब हो चुके थे, इट वॉज वेरी मेसी, अभी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट आई एम लुकिंग गुड। ग्लैड कि खुल गए हैं पार्लर, बिकॉज अभी हम लोग इतने टाइम से जस्ट वेटिंग कि ऐसा हो जाए। एंड मैं आई केम फॉर नेल आर्ट एंड पेडिक्योर, हेयर कलर, आई थिंक एवरी थिंग, बिकॉज अब 1-2 मंथ्स कब से लॉकडाउन चल रहा है, यू वेटिंग फॉर इट ना कि खुले और फिर आप आके कराओ। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है इस दूसरी लहर के बाद, किस तरह का आपको यू नो कस्टमर्स का रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसे आप कस्टमर्स को परमिशन देते हैं पार्लर आने के लिए, उसके बारे में बताएं। कस्टमर्स एज पर द अपॉइंटमेंट्स ही आ सकते हैं और हम अपॉइंटमेंट्स एक दिन प्रायर बुक कर लेते हैं उनके साथ। बाकी सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का हम उनको पहले से ही जानकारी देते थे जिससे वो सेफ फील करे और आ सके और उनको कोई इशू ना हो। आने के बाद वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, सेफ्टी किट है, और जितने भी स्टाफ यहाँ हैं उन्होंने सारों ने वैक्सीन ले लिया है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो फिलहाल तक नहीं आ रहे, तो जैसे ही उनके वैक्सीन हो जाएगा तो वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा रामबाण है, क्योंकि एक सैलॉन में, एक ब्यूटी पार्लर में सोशल डिस्टेंसिंग रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वैक्सीनेशन रामबाण है। वैक्सीनेशन के बाद स्टाफ में भी कॉन्फिडेंस आता है और कस्टमर में भी स्टेप आउट करने में कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि वैक्सीन अगर ले भी ली है तो भी जहां हो सके सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और मास्क ज़रूरी है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। भाई मुंबई की ही बात करें तो मानसून आ चुका है मुंबई में और बारिश के साथ ही मुसीबतें भी आई हैं, काफ़ी निचले इलाकों में पानी भर जाता है बारिश के चलते ही। आज सुबह कुछ देर के लिए बारिश की वजह से हालत ऐसी हो गई थी कि मानो दिन में ही अंधेरा छा गया हो, लोगों को अपनी गाड़ियों के हेडलैम्प जलाने पड़ गए, बहुत से लोग घुटने भर पानी में चलते हुए नजर आए और कुछ जगहों पर तो जाम भी लग गया, बहुत सी गाड़ियों की कतारें देखी जा सकती थी। सबसे अहम ये कि मौसम विभाग ने मुंबई में इस शनिवार और रविवार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, मतलब जबरदस्त बारिश के आसार।